हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हम आ गए हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर का टॉपिक क्या है? ऑयलर्स इक्वेशन फॉर इनविसिड फ्लो। ठीक है, सिलेबस पेन है ना टॉपिक। तो देखिए, ये हमने बहुत टाइम से पकड़ रखा है, एजम्पशन कर रखा है कि ये एक फ्लूइड पार्टिकल है जो फ्लूइड फ्लो में बहुत छोटा होगा, छोटा सा। इस फ्लूइड पार्टिकल को हमने बड़ा करके दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ तक तो क्लियर है। बहुत डेरिवेशन कर चुके हैं इस फ्लूइड पार्टिकल के साथ हम लोग। तो इसके पिछले वाले इक्वेशन में हमने ये भी दिखा दिया था स्ट्रेस क्या होगा इस वाले पे और इस वाले सरफेस पे। ठीक है, कैसे एक्ट करेगा। तो सेम चीज़ है, प्रेशर भी तो फोर्स बाय एरिया होता है ना। तो प्रेशर की फॉर्म में लिख सकते हैं इन दोनों सरफेस पे कैसे प्रेशर पड़ रहा है, कैसे प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, एक ऐसा फ्लूइड पार्टिकल है, कोई भी फ्लो है कहीं भी, छोटा सा एक डॉट है, छोटा सा एक पार्टिकल है फ्लूइड, बहुत छोटा। तो उस पर तो चारों तरफ से तो प्रेशर तो पड़ेगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा हाइपोथेटिकल केस लेके चल रहे हैं, जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ आवर कैलकुलेशन एंड द डेरिवेशन। ओके, तो इस फ्लूइड पार्टिकल पे यहाँ पे पी और इस साइड पे जो फोर्स आएगा वो आएगा इस प्रकार से, P प्लस डेल P बाई डेल x इंटू डी एक्स। थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा मतलब एकदम ही स्मॉल डिफरेंस है P के साथ। ठीक, अभी प्रेशर के साथ फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एरिया क्या है, dy वाई इंटू डी जेड, ये dz है ना और ये dy है, ये भी dy इंटू dz। तो फोर्स x डायरेक्शन में p इंटू dy इंटू dz, p प्लस डेल p बाई डेल x इंटू डी एक्स इंटू dy बाई dz। ठीक, और पिछले इक्वेशन में हमने देखा था जहाँ पे सिग्मा xx था, x प्लस डी एक्स माइनस सिग्मा xx का x और dx था नीचे। तो इसको क्या लिख दिया था, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख दिया था ना, याद है, या फिर से देख लीजिए। तो सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, और सेम चीज करने के बाद हमारे पास आ गया ये भाई साहब विथ वॉल्यूम। ठीक, अभी इसको y डायरेक्शन में करेंगे, z डायरेक्शन में करेंगे। तो इन सब के वैल्यू को लेकर हमने डाल दिया एक मैट्रिक्स में। ठीक है, n इंटू वन का मैट्रिक्स है, ठीक, एक ही कलम है और बहुत कितने रोज है पता नहीं, यहाँ पर तीन है। और ये सब ले लिया कॉमन, डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल जेड, और ये सारे चीज़ इनके लिए सेम है। और बाहर आ गया माइनस, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा f का माइनस डेल p इंटू डेल x इंटू डेल y इंटू डेल z। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें बहुत प्यारा है न्यूटन का एक इक्वेशन जिसको हमने बहुत बार यूज़ किया है फ्लूइड डायनामिक्स में, नेवियर स्टोक्स में भी यूज़ किया है। क्या है वो, f इजिकल टू एम ए। ठीक, एफ लिखते हैं, एम कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास बाय डेंसिटी है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ही मास होगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का लिखते हैं एम। डेंसिटी है रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड और ए। ए अभी देखिए, यू भी डब्ल्यू इस तरीके से अलग अलग एक्सिस पे मत लेके एक जनरल लेते हैं। जनरल वेलोसिटी हम किससे डिफाइन करते हैं, वी से। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, डी वी बाई डी टी, उसी चीज़ को हम
यहाँ पे लिखते रहे, ठीक। और इफ क्या था, इफ था ये, बिठाइए इस साइड माइनस पी एक्स, अब क्या होगा, अब ये भाई साहब और ये भाई साहब जाएंगे ना दूर कहीं, ठीक। तो आखिरी लाइन में इक्वेशन आ रहा है हमारा ये, ठीक। अभी देखिए, अभी हम इन सारी चीजों को सिर्फ एक छोटे से पार्टिकल के लिए समझ रहे थे पूरे फ्लो में, ठीक है। ये पूरा फ्लो है, इसमें छोटा सा पार्टिकल को हमने बड़ा करके दिखाया है। अभी सेम इक्वेशन को जब हम पूरे फ्लूइड फील्ड में पकड़ेंगे, जितना फ्लूइड पूरा, एक मान लीजिए रिवर है, ठीक है, नदी बह रही है, उस पूरे नदी के लिए हमने पकड़ लिया, तो फिर थोड़ा चेंज होगा ना डेरिवेशन में। ये तो स्मॉल पार्टिकल के लिए है, तो मान लेते हैं फॉर फील्ड प्रॉपर्टीज की वी का इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू डी डेरिवेशन होगा ये, ठीक है। फ्लूइड फील्ड, दिस इज फॉर फ्लूइड पार्टिकल, दिस इज फॉर फ्लूइड फील्ड, सेम इक्वेशन, बस हमने चेंज करके लिखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अभी इसी इक्वेशन का आखिरी पॉइंट वी कुड राइट लाइक फ्रॉम दिस इक्वेशन कि रो डेल वी बाई डेल टी प्लस वी डेल और ग्रेडियंट इनटू वी, दिस इज फॉर, ये पूरी फील्ड की वेलोसिटी है, कोई रिवर अगर हमने पकड़ लिया तो पूरी रिवर की वेलोसिटी है, ठीक है, अपॉन फ्लूइड फील्ड, ये है छोटा सा पार्टिकल के लिए अपॉन वी, ठीक। ये तो हमारा डेंसिटी है, पता ही है। ये सारी चीजें पी रो, ये भी छोटे से पार्टिकल के लिए और पूरे फ्लूइड फील्ड के लिए सेम है, ठीक है, फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम सिर्फ फ्लूइड पार्टिकल को लेके कंसीडर कर रहे हैं, इस लाइन से इक्वेशन की हमने फ्लूइड की फील्ड को पकड़ लिया, पूरे पूरा फ्लूइड जहाँ पे फ्लो हो रहा है, पूरा फ्लूइड फ्लो, ओके। तो फिर हमारा आखिरी का इक्वेशन बना ये, ठीक, ऑयलर्स इक्वेशन फॉर इनविसिड फ्लो। विस्कोसिटी कहीं दिख रहा है आपको इक्वेशन में, फोर्स के इक्वेशन में, दिस इज जीरो। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन खोल के देखिए तो विस्कोसिटी भरा हुआ है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड के लिए वो, तो जहां पे विस्कोसिटी जीरो होता है दैट इज फॉर इनविसिड फ्लो, विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट में बताया गया था सेकेंड लेक्चर, ठीक। अभी इसी इक्वेशन में जब म्यू चला आएगा, म्यू के रिस्पेक्ट में लिखेंगे या फिर विस्कोसिटी के रिस्पेक्ट में, तभी ये बन जाएगा हमारा नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ठीक। तो ये रहा आपका आखिरी का टॉपिक, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, नेवियर स्टोक्स से अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है इतने सालों में, वो भी आप खुद से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दो फ्लूइड प्लेट दिया हुआ है, उससे उस पर फ्लूइड पास करेगा, आप यहाँ बीच में फ्लूइड पार्टिकल को इमेजिन कर सकते हैं या फिर फ्लूइड वेलोसिटी प्रोफाइल जो हमने दिखाया था सेकेंड लेक्चर में कि यहाँ पे यू इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे यू मैक्स होगा, ठीक है। इन सब इक्वेशन को चेस करके कहाँ पे यू वी जीरो हो रहा है वो आपको हिंट से पता चल जाएगा, उस हिसाब से नेवियर स्टोक्स का इक्वेशन लिखेंगे, डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बस हो गया काम, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। तो अभी देखिए, सबसे पहला स्टेप फॉर ऑल दिस 10 लेक्चर्स जो हमने अभी तक बताया,
रिपीट कीजिए अगर कोई कुछ समझ में नहीं आया तो। फिर भी समझ नहीं आया कमेंट कीजिए, कुछ छूट गया आपको लगता है हाँ ये वाला फिर से होना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए कमेंट कीजिए। और भी अगर कोई डाउट हो, बड़ा वाला डाउट, मेजर इशू हो गया कि सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चन ये वो, सॉल्व तो क्वेश्चंस होने चाहिए भाई, क्योंकि PYQ कराया गया है ऑलरेडी। ठीक है, अगर और भी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वो भी बोलिए। सिर्फ एक वीडियो पूरा PYQ डेडिकेटेड रहेगा फिर। ठीक है, ये हमें बोलिए, अगर डिमांड नहीं होगा पब्लिक का तो क्यों क्यों बनाया हम, सही है ना। और हमें इस इन सब के बाद भी अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो 7381 लास्ट में 177 बीच का नंबर हमें याद नहीं, तो ये जो एक्साडेमी का ऑफिशियल नंबर है उस पर टेक्स्ट कीजिए कि फ्लूइड का इस पोर्शन, इस लेक्चर में हमें डाउट है। अच्छे से ऑफिशियल वाला टेक्स्ट करना, इसको एक ऑफिशियल लौंडा हैंडल करता है तो वो हम तक टेक्स्ट कर देगा, हमें फॉरवर्ड कर देगा, हम फिर आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू इस लेक्चर सीरीज़ को देखने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया तो बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूँ कि आपके फ्लूइड डायनेमिक्स का डर थोड़ा सा ख़त्म हो गया। तो थैंक यू एंड